हाँ तो भाई फाइनली स्मैकडाउन हो चुका है खत्म, और भाई आज आखिर करना हमको शो पर एजी स्टार का रिटर्न देखने को मिल ही जाता है, और साथ में काफी इंटरेस्टिंग मैच वुमेन्स डिवीजन का देखने को मिलता है जो कि भाई एक डम्पस्टर मैच था, और लास्ट में इसका लैडर वाला मेन इवेंट, इसने तो भाई एकदम तबाही मचा दी थी भाई शो पर, क्या ही जबरदस्त मैच था भाई। और अभी हम दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत ही ना फिनोमिनल वन एजी स्टार के रिटर्न से होती है, जो कि काफी तगड़ा भाई को रिएक्शन मिल रहा था क्राउड की तरफ से, और यहाँ से तो भाई ऐसे ही लग रहा है ना कि बेबी फेस हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों ये प्रोमो कट करते हैं जहां पर ना ये नेशविल के क्राउड को लेकर बात करते हैं कि इन्होंने ना इनको काफी मिस किया था, और यही वो सिटी है ना जहां से इनका सब कुछ शुरू भी हुआ था। और इसी के बाद भाई कार्मिलो हेस का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जहां पर भाई ये खुद की ही तारीफ करते हैं कि देख भाई मुझे ना खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मैंने अंद्राजे को 3 बार हराया हूं, और जब आप यहां पर नहीं थे ना तो उस वक्त मैं यहां पर था। इसके बाद तो भाई इनका कहना है कि यूएस चैंपियनशिप ये बनना डिजर्व करते थे, लेकिन एला नाइट बन चुके हैं। और तभी दोस्तों एजे स्टाइल भाई एला नाइट को लेकर ना कुछ सलाह देने की कोशिश करते हैं कार्मिलो को, तो भाई इनका कहना है ना कि मैं क्विटर्स की सलाह नहीं लेता, मतलब भाई ये दोनों लोग आज एक दूसरे को एकदम कुक कर रहे थे माइक पर। बल्कि इसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल को मैच के लिए भी चैलेंज करते हैं, लेकिन कार्मिलो मना करके भाई जैसे ही वहां से जाने लग जाते हैं ना कि तभी दोस्तों एला नाइट की एंट्री होती है, और ये भाई पहले ना एजे स्टाइल से अपनी राइवलरी को थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि देख भाई हमें ना दोस्त जैसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारी हालत खराब की थी। इसके बाद दोस्तों ये कार्मिलो के सामने ना दो ऑप्शन रखते हैं, पहला कि ये रिंग में आकर इनकी हालत खराब करेंगे, और दूसरा अगर ये एजे स्टाइल को हरा देते ना तब इनको एला नाइट इनको यूएस चैंपियनशिप के लिए मौका देंगे। और तभी भाई रेफरी भी आ जाता है और मैच भी स्टार्ट हो जाता है, और भाई मैच तो काफी सही चल रहा था, लेकिन ये क्या हो गया भाई एजे स्टाइल को। दरअसल दोस्तों जब ये कार्मिलो को अपने नी के ऊपर अटैक करते ना कि तभी दोस्तों इनकी नी भाई जवाब दे देती है, और फिर ये भाई आगे मैच कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसके बाद दोस्तों मेडिकल टीम भी आती है और इनको बैक स्टेज लेकर चली जाती है, और रेफरी इस मैच को एंड करके कार्मिलो को इस मैच का विनर बना देती है। और तभी दोस्तों अचानक से एला नाइट आगे पीछे से कार्मिलो पर BFT लगा देते हैं, तो भाई यहां से तो ऐसे ही लग रहा है कि अब एला नाइट का नेक्स्ट चैलेंजर कार्मिलो ही होने वाले, लेकिन एजे स्टाइल के भाई बुरा लग रहा है, बंदा आज ही अपना रिटर्न किया और इंजरी वाली सिचुएशन इनके साथ हो गई। खैर दोस्तों वैसे उम्मीद तो यही करते हैं कि कोई रियल इंजरी ना हो, सिर्फ एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट हो। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर काफी ज्यादा इंटरटेनिंग और फुल एक्शन से भरा मैच देखने को मिलता है भाई चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचेन के बीच में, वो भी डम्पस्टर मैच, यानी भाई कचरे का डिब्बे में इनको डालना और क्लोज करना मैच को जीतने के लिए। और भाई क्या ही जबरदस्त मैच ये दोनों लोगों ने डिलीवर करके दिया भाई साहब, मजा आ गया इसको देखने में, बल्कि क्राउड तो भाई होली शिट के चैंट भी लगाना शुरू कर दिया था, और वो भी वुमेन्स मैच में, तो भाई मैच तो तगड़ा था ही, और साथ में भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी, चेयर यूज होती है, कैंडो स्टिक यूज होती है, ड्रम का यूज होता है, मतलब जो मिले ना उससे अटैक हो रहा था। बल्कि दोस्तों पाइपर नेविन का इंटरफेरेंस भी होता है, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है, और लास्ट में मिचेन चेल्सी ग्रीन पर पावर अप लगाती है, वो भी टेबल पर, और वो टेबल भाई डम्पस्टर के ऊपर ही लगी हुई थी। इसके बाद दोस्तों मिचेन उसमें से निकल वो डम्पस्टर को क्लोज कर देती है, और मैच में इनको विक्ट्री मिल जाती है। तो भाई ये वाला मैच तो आप जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको बेली और नाया जैक्स का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों बेली ना वही बातें करती है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके पास WWE वुमेन चैंपियनशिप जीतने का मौका होगा, और इसके बाद दोस्तों ये नाया जैक्स को कॉल आउट करती है, और अब भाई बेली इनसे बोलती है ना कि आप ना कभी भी इस चैंपियनशिप का इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये मेरी और इन फैंस के बीच ना काफी बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। मतलब भाई एक तरीके से बेली इनको ये बता रही थी कि बड़े होते हुए ना इस चैंपियनशिप को जीतने का ड्रीम देखती है, और इसके बाद ये कुछ नाम को भी मेंशन करती है जैसे कि लीटा हो गई और विक्टोरिया हो गई, और इनके ही तरह भाई ये काम करना भी चाहती है, लेकिन आप उनमें से नहीं है, यानी नाया जैक उनमें से नहीं है जो कि इस टाइटल के इंपॉर्टेंस को समझे। इसके बाद इनका कहना है कि बैड ब्लड में तो मैं आपको हरा ही दूंगी, लेकिन ट्रिफिनी के साथ आप जो कर रही ना उसके बाद तो ये जरूर आपको धोखा देकर कैश इन कर सकती है, और भाई इसके चांसेस है भी, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त नाया जैक ना कैजेस भाई इनको ट्रीट नहीं कर रही है, और अगर दोस्तों ऐसा ही रहा ना तो पॉसिबली हमको बैड ब्लड में ना कैश इन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और तभी दोस्तों ट्रिफिनी की एंट्री होती है, और ये बेली से बोलती है कि आपको क्या लगता है कि मुझे कैशिंग की जरूरत है नाया जैक्स को हराने के लिए, मैं इसके बिना ही कर सकती हूँ। और ये सुनकर तो भाई नाया जैक्स भी शॉक हो जाती है कि ये क्या बोल रही है, और इनका बल्कि इनसे कहना भी है कि तुमने क्या बोला, और तभी भाई ट्रिफिनी ना बात पे घुमा जाती है, और इनका कहना है कि मैं कुछ और बोल रही थी, और इनका बेली से फिर कहना कि आप क्वीन के सामने सर झुकाइए, लेकिन दोस्तों बेली ऐसा नहीं करती, और तभी भाई इन तीनों लोगों के बीच में ना ब्रॉल होने लग जाता है, और लास्ट में बेली को ही अपर हैंड मिलता है।
और एक टाइम पर दोस्तों फिर ऐसा लगा ना कि जैसे ट्रिफनी कैश इनिंग करेंगी, लेकिन नाया जैक भाई रिंग से बाहर हो जाती है और तभी दोस्तों नेओमी की एंट्री होती है और अब भाई इनका ट्रिफनी के साथ मैच देखने को मिलता है। मैच दोस्तों ये काफी शानदार चलता है इनके बीच में, लेकिन लास्ट में नेओमी इनको रोल अप के सारे फिंगर के मैच में विक्ट्री ले लेती है। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है ना मेन इवेंट में दी ब्लड लाइन वर्सेस डीआईवाई वर्सेस दी स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और वो भी एक लैडर मैच। भाई 5 साल बाद ये मैच हो रहा है लैडर वाला, वो भी स्मैकडाउन पर। और भाई इस मैच को तो आप जाकर ही देख लेना, शो ऑफ द मैच यही है। मतलब भाई क्या ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे बीच में। रिंग साइड में ब्रॉल होता है, टेबल टूटती है, चेयर का यूज होता है, लैडर तो यूज हो ही रहती मैच में। ये काफी तगड़ा मैच था। मॉन्टेस फॉर्ड इनकी तो भाई बात ही अलग है, क्या ही जबरदस्त भाई एथलेटिज्म है इनके पास। बल्कि मैच में तो दोस्तों डीआईवाई ना टैमा टोंगा पर लैडर पर से भाई शेटर मशीन लगा देती है, और इसके बाद भाई इनके तरफ से मिड इन द मिडल मूव भी आता है। और भाई ये मैच जैसे जैसे क्लोजिंग तरफ बढ़ रहा था ना भाई, उसी हिसाब से ये मैच ना अपने पीक लेवल पर भी पहुंच गया था। लास्ट में दोस्तों डीआईवाई और स्ट्रीट प्रॉफिट ना मिलकर भाई काम करती है ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पहले दोस्तों मॉन्टेस फॉर टॉप ऑफ द रोप पर से ना टोंगा लोअर पर स्प्लैश लगाता है, और ये तो भाई देखने में ही काफी शानदार लग रहा था। और इसके बाद डॉकिंस डीआईवाई के साथ मिलकर टैमा टोंगा पर ट्रिपल पावर बम, वो भी अनाउंसर टेबल पर, और यहाँ पर तो लगा भाई कि गई ब्लड लाइन। लेकिन लास्ट में दोस्तों जब डीआईवाई और स्ट्रीट प्रॉफिट लैडर पर खड़े हुए रहते हैं ना टाइटल को ग्रैब करने के लिए, तो उसी दरमियान भाई डॉकिंस टोमैसो चैंपर पर साइड स्लैम लगाते हैं, वो भी लैडर पर, और ब्लड लाइन मिलकर फिर भाई मॉन्टेस और जॉनी गर्गनो पर भी, और इसके बाद लास्ट में टोंगा लोअर लैडर पर चढ़कर दोनों टाइटल को निकालकर मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुल रिटेन भी। तो भाई मजा आ गया भाई मेन इवेंट देखने में, मुझे लगा भाई टाइटल चेंज होगा यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि ये अभी थोड़ा और लंबा चलने वाला इनका। लास्ट में दोस्तों सोलो फिगुआ जैकब फाटू भी आते हैं, और फिर एक साथ ये लोग वी द वंस करके ना शो को क्लोज करते हैं। तो भाई शो तो तगड़ा ही था, और अब देखते हैं बैड ब्लड में ये लोग क्या बवाल मचाते हैं। खैर दोस्तों वैसे आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेगी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।